क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ कपड़ों की, तो मुझे उस हिसाब से हर शख्स को देखना होता है। जरूरी नहीं है कि अगर शाइस्ता ने मेरे कपड़े पहने तो मैं यही शो देखूंगी खाली, नहीं, मैं सारे शोज देखती हूँ, ठीक है। अब मैं ज्यादातर रिपीट देखती हूँ रात में जो रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन मैंने जो शाइस्ता की एक बात नोट करी है वो ये करी है कि शाइस्ता एक ऐसी वाहिद होस्ट है कि बिल्कुल भी जब तक उनके बारे में कोई बात ना की जाए ना, शाइस्ता कभी भी ऐसी वो नहीं करती, मतलब किसी के बारे में। मकसद ये है कि कुछ चीजें हमने जैसे की हैं, ट्रेंड सेट किया है, तो वो अच्छी बात है। मैंने बहुत सारी चीजें अपने प्रोग्राम में, बहुत सारे और प्रोग्राम्स को देख के सीखी हैं। तो आई थिंक एक दूसरे से अच्छी बातें सीखना कोई इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन और कुछ चीजें ये तो आप माने कि थोड़ी बहुत चीजें हमने प्रोग्राम में करनी शुरू की, हमने सेट इवेंट के हिसाब से चेंज करने शुरू किए, तो और जगहों पे भी हुए कुछ चीजें, हमने फेस्टिवल्स या पाकिस्तान के हवाले से कुछ चीजें की, तो ये मैंने सिर्फ कहने का मकसद था। इसको प्लीज गलत तरीके से बिल्कुल ना लें। आई एम वेरी पॉजिटिव, माय टीम इज वेरी पॉजिटिव, और मेरे प्रोग्राम से आपको कभी नेगेटिव वाइब नहीं आएंगी, और अगर आएंगी तो प्लीज मुझे करेक्ट करें अगर मैंने कुछ गलत कहा है। तो समीना की कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं तो ठीक हूँ शाइस्ता, लेकिन इस वक्त तो ऐड आ रहा है, यानी आपका प्रोग्राम तो हम नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, ये तुम कहाँ से कॉल कर रही हो समीना? कराची से। अच्छा समीना बोलो। अच्छा हाँ। मैं शाइस्ता सबसे पहले तो यानी रूबी की तारीफ करना चाहूंगी, तो वो इतने खूबसूरत ड्रेस आपके लिए बनाती हैं कि यानी आप उनकी पहचान बनी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात ये है कि यानी इंसान खूबसूरत तो होता ही है, एक ड्रेस की भी खूबी होती है ना। हाँ जी। कि ड्रेस जो है इंसान पहनता है तो वो महज़ब और पुरवकार नजर आता है। तो अभी जैसे आपने ये ड्रेस पहना है, ये वाला भी बहुत प्यारा है। अच्छा, यानी देखिए, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, फैशन पता है क्या होता है? फैशन ये नहीं होता कि खाली हमने अगर स्लीवलेस कोई एक शर्ट पहन ली है या हमने कोई छोटे कपड़े पहन लिए हैं तो जी वही फैशन है। आई थिंक ढके छुपे कपड़े पहन के भी फैशन को आप बहुत अच्छी तरीके से कैरी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों के दिमाग में होता है ना कि जी ये फैशन नहीं है। आई थिंक हर तरीके से फैशन को आप कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ओके जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। Once again, welcome back. हमारे साथ आज रूबी शकील मौजूद हैं वीकेंड गाला में, और हमने आपको जबरदस्त किस्म की ऑफर दी है कि भाई अब आप लोग कॉल करें, रूबी शकील से बात करें, कपड़ों के हवाले से जो कुछ पूछना चाहते हैं जरूर पूछिए, और मेरे हवाले, मेरे कपड़ों के हवाले से भी कुछ कुछ पूछना चाहते हैं, जो सब पूछ रहे होते हैं वो भी आप पूछ। ज्यादातर लोग जो है वो आपके ही हवाले से पूछना चाह रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं। हालांकि मुझे इतना अर्सा हो गया शाइस्ता काम करते हुए कपड़ों का, लेकिन ज्यादातर लोग आपका ही डिस्कशन जो है वो अब ज्यादा करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो आप कहती है ना कि आप कॉटन में ज्यादा डील नहीं करती, उसकी रीजन क्या है? मुझे पता नहीं क्यों शायद ऐसा लगता है कि कॉटन एक ऐसा मटेरियल होता है कि हर आम औरत जो है वो खरीद के खुद डिजाइन अपने लिए कर सकती है कॉटन के ड्रेस के ऊपर, और जो आम लोग पहन रहे होते हैं, मेरा जो मेन फोकस होता है ना वो हो रहा होता है फॉर्मल जोड़ों के ऊपर, क्योंकि मेरा मेरे अंदर ना एम्बेलिशमेंट करने की बहुत आदत है। कहीं कुछ लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया, मैं कोई चीज ना प्लेन में देख के मुझे मजा नहीं आता। हत्ता कि अगर कोई कॉटन का आम एक सूट, जैसे अगर मेरी बेटी अपने लिए डिजाइन करवा रही होती है मुझसे कि आप कुछ बना दे, तो उसके एक कॉटन के सूट में, या मेरी डॉटर इन लॉ की भी कुछ अपने लिए करवा रही होती है, तो उसके लिए भी मैं कुछ ना कुछ जो है वो कॉटन में भी एडजस्ट कर ही देती हूँ कहीं ना कहीं। अच्छा। तो वो क्या होता है कि वो सिर्फ दिन का एक वेयर हो जाता है आपके लिए, कि आप दिन में कैरी कर सकते हैं कॉटन को। मतलब अगर बहुत जैसे गर्मियां हैं आपकी लाहौर इस्लामाबाद वगैरह में पिंडी में, वहां तो ये होता है कि रात में आप सिल्क भी नहीं कैरी कर सकते, फिर ठीक रहता है आई थिंक। नहीं, लेकिन शिफॉन आइडियल इसलिए रहते हैं कि वो आप गर्मियों में और इवन सर्दियों में भी आराम। आई थिंक प्योर क्रेप जो है वो आप दिन में भी पहन सकते हैं, कराची के मौसम में क्या, लाहौर के मौसम में क्या, पहन सकते हैं प्योर क्रेप्स, बिकॉज उसमें इतनी गर्मी होती है। उसमें ना मुझे लगता है ये वाले जो मटीरियल होते हैं उसमें थोड़ा फेमिनिन टच होता है, फेमिनिन टच होता है, और उसमें हर चीज अच्छी लगती है, एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी लगती है। अब जैसे इसमें एम्ब्रॉयडरी भी है,
इसमें डायमंडीज भी हैं, इसमें सीक्वेंस भी हैं। तो क्या हो रहा था कि एक मटेरियल के ऊपर इतनी सारी चीजें आप यूज कर लेते हैं, और कॉटन पे क्या होता है कि आप सिर्फ ज्यादा ज्यादा लेसेस लगा सकते हैं, या ज्यादा ज्यादा आप एप्लीक कोई कर सकते हैं या एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई और बहुत ज्यादा कोई चीज उस पर अच्छी लग रही होती है। हालांकि अब तो लॉन के सूट जो होते हैं उन पर भी काफी सीक्वेंस के काम हो रहे हैं, काफी स्वारोस्की स्टोन्स यूज हो रहे हैं इसके अंदर, अब तो चप्पलों पे हो रहे हैं आजकल तो बहुत हो रहे हैं। लेकिन अपना अपना सबका एक होता है टेस्ट होता है। मुझे ये होता है कि कॉटन पे मुझे नहीं लगता कोई चीज इतनी अच्छी लग रही होती है आने वाले। उन्होंने जैसे अभी आयशा ने सवाल किया था कि व्हीटिश जो कॉम्प्लेक्शन है उस पर किस तरह की कलर्स वो कैरी कर सकती है। आई थिंक सब अर्थली टोन्स, सारे अर्थन टोन्स जो होते हैं वही अच्छे लग रहे होते हैं, या फिर आई थिंक के ब्लैक एंड व्हाइट की जहां तक आप बात करते हैं, आई थिंक ब्लैक एंड व्हाइट तो हमेशा इन होता है, और ब्लैक एंड व्हाइट एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मुझे लगता है हर कलर टोन स्किन पे चल जाता है। नॉट वेरी ब्राइट व्हाइट कलर, बट जस्ट ऑफ व्हाइट कलर, थोड़ा सा ऑफ व्हाइट या बेज और माउस कलर जैसे कोई होता है उसके साथ अगर आप ब्लैक को ब्लेंड कर लें तो बड़ा अच्छा मालूम होता है, और आप आपका कम्प्लेक्शन बहुत अच्छा लगता है। और ये सारे कलर्स आप रमजान की मेरी वार्डरोब में देख सकेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं फिर बता दूं कि रूबी शकील के कपड़ों के लिए स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले होगा यूके का नंबर दे चुके हैं, अच्छा प्लीज दें दोबारा कि यूके का, यूएसए का नंबर, जिन जिन लोगों से कॉन्टैक्ट करना है उनके नंबर भी लिखे हुए हैं, और वो और इसके अलावा दुबई में आप कर सकते हैं किनसे कॉल, सना जी, सना हिमानी से कॉन्टैक्ट दुबई में किया जा सकता है इनके कपड़ों के लिए। पाकिस्तान में हम नंबर चलाते हैं पाकिस्तान के लिए, और उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप अपने किसी भी अच्छे और प्यारे के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए कपड़े बना सकते हैं। मैं मर्दों से कह रही हूँ, ठीक है, तो बनवाएं इस दफा ईद पे, गिफ्ट दे रूबी शकील आप। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ मैं जो सोच रही होती हूँ और जो कर रही होती हूँ वो मैं आपकी सूरत में देख लेती हूँ। सूरत में आप पूरी क्रिएटिविटी देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेती हूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, ये मेरे लिए बहुत। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। रूबी शकील थी, इनसे आपकी मुलाकात रही, और बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी जो हमें डील करनी थी वो भी हमने कर ली कि यूके में और कोई नहीं है, यही वाली रूबी शकील है, कोई और नकालों से होशियार है।